हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कॉम्पोजिशन इन फोटोग्राफी क्या होती है, रूल्स इन फोटोग्राफी क्या होती है, उनके बारे में जानना चाहते हैं। आई गिव यू 10 फोटोग्राफी कॉम्पोजिशन रूल्स। 10th वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी यू विल लव इट। 10वां रूल ऐसा है जो मैं अभी बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। बाकी रूल ऐसे हैं जो मैंने पढ़े थे बहुत पहले, जब मैंने स्टार्ट करी थी फोटोग्राफी तब मैंने पढ़े थे, लेकिन जो 10th रूल है वो मैं अभी तक फॉलो करता आ रहा हूँ। एंड मैनी अदर फोटोग्राफर्स, द फेमस फोटोग्राफर्स आर ऑल्सो फॉलोइंग दैट 10th रूल। So just check this whole video, you will love it, I'm sure। ये rules उन सब लोगों के लिए है जो mobile से भी shoot करते हैं, DSLR से shoot करते हैं, mirrorless से shoot करते हैं या फिर GoPro से shoot करते हैं। ये सारे photography rules हैं। medium कुछ भी हो आपका, आप कुछ भी tool use करते हो, चाहे phone हो, mobile camera हो या GoPro हो, कुछ भी हो, ये rules of photography हैं जो universal हैं, जो चलते आ रहे हैं सालों से। और जो it's same like you know driving, जब हम सीखते हैं तो कुछ rules होते हैं, driving rules जो होते हैं, तो उसी तरह ये फोटोग्राफी रूल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो द फर्स्ट रूल इज रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड इज वेरी अट्रैक्टिव एंड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रूल है। ये काफ़ी पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स, काफ़ी लैंडस्केप फोटोग्राफर्स इस रूल को फॉलो करते हैं। सो आई विल गिव यू ब्रीफ कि ये रूल ऑफ थर्ड है क्या विद एग्जाम्पल। लेट सपोज अगर आप शूट कर रहे हैं सी बीच, अगर आप शूट कर रहे हैं सी बीच में, आपके पास सी भी है, बहुत अच्छा सी दिख रहा है, ऊपर से आपको बहुत अच्छे क्लाउड्स दिख रहे हैं। सो आप क्या करोगे, आपके जो अगर आपने अपने फ्रेम को 9 बॉक्सेस में डिवाइड कर लिया एंड 3 दो वर्टिकल एंड दो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आपके पास 9 बॉक्सेस मिल गए हैं। तो नीचे वाले 3 पार्ट जो बॉक्सेस हैं उसमें आप अपने बीच को या सी को आप कंपोज करते हो, बाकी जो आपके ऊपर वाले 6 बॉक्सेस हैं उसमें आपका स्काई आ रहा है या क्लाउड्स आ रहे हैं। सो दैट सो आपका जो मेन जो आपका सी है वो 1/3 पार्ट में है, बाकी 2/3 पार्ट पे आपका क्लाउड्स एंड स्काई है। या आप उसका उल्टा भी कर सकते हो कि आपके 2/3 पार्ट पे आपका जो सी है या बीच है वो है और बाकी के 1/3 पार्ट पे आपका क्लाउड एंड स्काई है। दैट इज रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड से ही अप्लाई होके आपका निकल के आपका सेकंड रूल आता है, विच इज गोल्डन पॉइंट रूल्स। काफी लोग रूल ऑफ थर्ड और गोल्डन पॉइंट रूल्स को कंफ्यूज कर जाते हैं और दोनों को कंबाइन कर देते हैं, बट दोनों के दोनों बहुत ही डिफरेंट है। रूल ऑफ थर्ड में आपका जो 1/3 पार्ट है उसमें आपका मेन सब्जेक्ट आता है, एंड गोल्डन पॉइंट में आपके जो वो 4 पॉइंट्स आते हैं जब आप बॉक्सेस आप बनाते हैं ना, 6-9 बॉक्सेस जब आपने बनाए या फिर अपने 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जब बनाई, तो उसमें जो आपके 4 बॉक्सेस जो आपके पॉइंट आ रहे हैं, इंटरसेक्शन जो आ रहे हैं, वहां पे आपके सब्जेक्ट का मेन जो फोकस है वो आता है। मेन फोकस सपोज अगर मैं पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूं तो या तो उसका फेस या फिर आप कह दीजिए उसकी आंख, या फिर अगर मैं लैंडस्केप में अगर मैं आर्किटेक्चर शूट कर रहा हूं तो लोटस सैंपल, जैसे मेरा फोटोग्राफ देखे तो जो लोटस सैंपल है वो लोटस सैंपल उस एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ रहा है। सो दैट इज गोल्डन पॉइंट रूल। सो दैट इज योर सेकंड रूल जो आपका गोल्डन रेशो में, गोल्डन पॉइंट रेशो पे भी कहलाता है। रूल ऑफ थर्ड एंड गोल्डन पॉइंट रेशो दो अलग अलग रूल्स हैं, इसको मिक्स मत करिए एंड अंडरस्टैंड के दोनों का यूज भी अलग अलग है। रूल ऑफ थर्ड से ही निकलता हुआ आपका तीसरा रूल भी आता है, सेंटर फोकस रूल। मैं कि कई लोग ना सेंटर फोकस करना, मैं कि अपने सब्जेक्ट को सेंट्रलाइज करना अच्छा नहीं समझते। उनको लगता है कि रूल ऑफ थर्ड पे ही अगर आप हमेशा शूट करो ना तो आपके शॉट अच्छे लगेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स अगर आप सेंटर पे भी शूट करते आ रहे हैं, अगर अपने आपने सब्जेक्ट को अगर आप सेंटर पे भी प्लेस करें तो वो अच्छा लगेगा। कोशिश करो कि आप सारे रूल्स को शूट करके देखो एंड उसके बाद देखो कि आपको कौन सा रूल ज़्यादा अच्छा लगता है, रूल ऑफ थर्ड या सेंटर फोकस रूल। द फोर्थ रूल इज सिमेट्री। सिमेट्री एक ऐसा रूल है जो कि ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सिमेट्री इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने फ्रेम को हाफ डिवाइड करो, चाहे वर्टिकल डिवाइड करो चाहे हॉरिजॉन्टल डिवाइड करो, तो आपको एक इल्यूजन देगा कि आपके जो दोनों हाफ पार्ट्स हैं, जो दोनों आपके दोनों हाफ फ्रेम्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल है। लेट्स सपोज आपके मोस्टली सिमेट्री के अंदर रिफ्लेक्शंस आती हैं। रिफ्लेक्शंस जब आप देखें तो रिफ्लेक्शंस इट्स अ काइंड ऑफ मिरर, आपको मिरर इफेक्ट देते हैं। या फिर अगर आप ब्रिटिश आर्किटेक्चर देखें
देखें तो ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो है मोस्टली दे आर यू नो सिमेट्रिकल, मतलब कि आप उसका अगर आधा पार्ट देखें तो आधा पार्ट और दूसरा आधा पार्ट बिल्कुल इक्वली यू नो दे आर एक्चुअली लाइक सेम, यू नो ऐसा लगेगा मिरर पे आप देख रहे हो. तो दैट इज सिमेट्री. आप सिमेट्री फोटोग्राफी यू नो सिमेट्री रूल भी अगर आप अप्लाई करें अपनी फोटोग्राफी पे सो दैट विल गिव यू अ वेरी नाइस कॉम्पोजिशंस. सिमेट्री रूल से ही मिलता जुलता एक और रूल है, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल शेप्स रूल. जो आपके ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, आप ट्राइंगल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, सर्कल ले लीजिए, अगर आप उन शेप्स के साथ अपने फ्रेम को कंपोज करेंगे सो वो व्यूअर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. जो मेरा एक बहुत फेवरेट शॉट है स्ट्रीट, दिल्ली की स्ट्रीट पर लिया था, उसमें अगर आप देखें तो जो आपके मेन फ्रेम है उसमें ओवरऑल फ्रेम में आपको सिर्फ स्क्वायर 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 दिखेंगे, बॉक्सेस दिखेंगे. सो दैट्स वाई इट अट्रैक्ट द व्यूअर as well. So that's why I try to compose your frames with a geometric shape जहाँ पे available है, circle जहाँ पे available है, square जहाँ पे available है, उन चीज़ों के साथ. My most favorite and सबसे ज़्यादा जो मैं चीज़ें ढूंढता हूँ that is leading lines. Leading lines एक ऐसा rule है या एक ऐसा you know composition मंत्र आप कह सकते हो कि जो कभी किसी आपको disappointed नहीं करेगा. अगर leading lines का मतलब ये है कि आपके shot में ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे एकदम परफेक्टली लाइंस दिख ही रही हो. लीडिंग लाइंस का मतलब ये भी है कि आप फोरग्राउंड में कुछ एक चीज़ को कंपोज करिए अगर आप लैंडस्केप शूट कर रहे हैं. सेकंड में आपका कुछ एक और पेड़ है, लेट्स सपोज मेरा स्पिति का ये वाला एक शॉट है जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड तन्वी के साथ ये कंपोज किया था, तो उसमें आप देखेंगे कि फोरग्राउंड में वो लेटी हुई है विद अ मिरर. सेकंड में आप जब जैसे ही आप फ्रेम देखते हो आपकी नज़र सबसे पहले उसके ऊपर जाती है. सेकंड जिगजैग में आपका एक पेड़ दिख रहा है जिसके ऊपर आपकी नज़र जाती है. एंड थर्ड में आपकी नज़र निकलते हुए पीछे लैंडस्केप पे जाती है. सो दैट इज़ आल्सो अ पर्सपेक्टिव और लीडिंग लाइंस रूल, जिसको हम जिगजैग रूल भी कह सकते हैं क्योंकि आपकी जो आँख है वो लेफ्ट राइट लेफ्ट जा रही है तो जिगजैग भी हो रहा है. तो वो जिगजैग रूल, लीडिंग लाइंस, पर्सपेक्टिव रूल, ये सारे रूल्स एक ही चीज़ को अप्लाई करते हैं कि आप अपने व्यूअर की आँख को आगे से पीछे की तरफ लेके जा रहे हो. लीडिंग रूम या हेड रूम एक ऐसा रूल है जो कि मोस्टली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में ज़्यादा अप्लाई होता है. लीडिंग रूम का मतलब ये है कि जहाँ पे आपका सब्जेक्ट देख रहा है आप उस तरफ ज़्यादा स्पेस दो. लेट्स सपोज अगर मेरा फेस इधर है तो मैं ज़्यादा स्पेस इस जगह दूंगा क्योंकि व्यूअर को इस जगह ज़्यादा स्पेस में ही दिखेगा क्योंकि ही नोज कि मैं इधर देख रहा हूँ, स्टोरी इधर क्रिएट हो रही है. लेकिन अगर मेरा फेस इस तरफ है लेकिन मेरी आँखें अगर उस तरफ हैं तो मेरे को स्पेस इस तरफ ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि मेरी आँखें जो हैं उस तरफ देख रही हैं, मैं इस तरफ नहीं देख रहा हूँ. तो जहाँ पे आपके व्यूअर जहाँ पे आपके सब्जेक्ट की आंखें देख रही हैं आपको उस जगह पे ज़्यादा रूम देना पड़ता है. हेड रूम ये है कि जब आपका जो आपका पोर्ट्रेट है आप उसका हेड बिल्कुल नहीं हल्का सा नहीं काटोगे, आप इतना स्पेस ज़रूर दोगे उसके हेड के ऊपर. अगर आप उसका हेड इतना सा काट रहे हो तो इट्स लुक लिटिल वियर्ड. उससे बेटर है कि आप उसको थोड़ा उसका हेड और ज़्यादा काट दो और मेन आपका जो फोकस है वो उसकी आँखों पे आ जाएगा या उसके लिप्स पे या उसके नोज़ पे आना शुरू हो जाएगा. तो आपका ओवरऑल पोर्ट्रेट जो है वो ओवरऑल फेस नहीं, आपका मेन सब्जेक्ट ओवरऑल फेस नहीं, सिर्फ आँखें नोज़ या लिप्स रह जाते हैं. लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट को दिखाना चाहते हो, अगर आपका मेन एम्फेसिस जो है पूरा पोर्ट्रेट फेस है तो आप हेड को ना काटें. तो दैट इज़ अ हेड रूम कॉम्पोजिशन रूल. डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब अपर्चर नहीं है कि आप 2.8, 1.4, 1.8 पे शूट करें. डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब ये है कि अपनी फोटोग्राफ में डेप्थ दिखाना. लेट्स सपोज अगर मैं लैंडस्केप शूट कर रहा हूँ तो उसमें आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेयर्स होती है. पहली लेयर आपका फोरग्राउंड भी होगा, मिड ग्राउंड भी होगा, बैकग्राउंड भी होगा. तो आपको कंपोज ऐसे करना पड़ता है कि आपकी व्यूअर की आंखें एक ही जगह पे जाके ना टिक ना जाए. अगर मैं लेट्स सपोज लैंडस्केप शूट कर रहा हूँ उसमें सिर्फ पीछे एक पहाड़ दिख रहा है और कुछ है ही नहीं तो आपके व्यूअर की आंखें उस पहाड़ पे जाके रुक जाएंगी. सो आपको कोशिश करनी है कि आपके व्यूअर की आंखें पहले फोरग्राउंड पे दिख पड़े, उसके बाद मिड ग्राउंड जो आप उसका माउंटेन है वहाँ पे पड़े एंड जो उसके बाद बैकग्राउंड जो आपका स्काई या क्लाउड्स है उस पे पड़े. सो आपको डेप्थ भी क्रिएट करनी पड़ती है. दैट्स वाई लेयर फोटोग्राफी इज़ वेरी फेमस इन स्ट्रीट फोटोग्राफी एज वेल. अगर आप काफ़ी फेमस स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के अगर आप काम देखें तो वो मोस्टली लेयर्स पे शूट करते हैं. सो यू कैन फॉलो दिस रूल एज वेल.
फ्रेम इनटू फ्रेम एक ऐसा रूल है जो मोस्टली आर्किटेक्चर्स में हमने देखा होगा। फ्रेम इनटू फ्रेम ये है कि आप किसी भी नेचुरल चीज़ों से, लेट्स सपोज अगर पेड़ है तो पेड़ के थ्रू आप अपने फ्रेम के कॉर्नर्स पे एक ऐसी फ्रेमिंग करते हो कि आपके व्यूअर को लगता है कि उससे बाहर देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट अंदर देखना है। लेट्स सपोज आई गिव यू एग्जांपल, अगर एक मैं लैंडस्केप शूट कर रहा हूँ तो लैंडस्केप में आपकी आँखें पूरे कॉर्नर्स पर भी जाती हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ मेन एम्फोसिस एकदम सेंटर पर देना है तो मैं उसके आसपास एक विंडो क्रिएट कर दूंगा और विंडो के थ्रू बंदा जो मेरा व्यूअर है वो सिर्फ मेरे मेन सब्जेक्ट को देखेगा। आप ताजमहल जाते हैं, हुमायूं टॉम जाते हैं तो मेन एंट्रेंस आपने देखा होगा मोस्टली लोग गेट के साथ एक शूट लेते हैं कि गेट दिख रहा होता है सिल्वेट में, क्योंकि आप उस शॉट के थ्रू आपका जो मेन नज़र है वो डायरेक्टली ताजमहल पर जाएगी या फिर हुमायूं टॉम पर जाएगी। द 10th एंड द मेन इंपॉर्टेंट रूल इज डोंट फॉलो द रूल्स। यस, आपने सही सुना कि कभी भी रूल्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए। यू नो, रूल्स पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम फोटोग्राफी सीख रहे हैं तब हमें रूल्स पता होने चाहिए, लेकिन हर बार अगर आप शूट करने से पहले अपनी रूल बुक देखना शुरू करेंगे तो आप शूट नहीं कर पाएंगे। एक रूल को अच्छी फोटोग्राफ की ज़रूरत होती है, ना कि एक अच्छी फोटोग्राफ को रूल्स की। अगर आप एक अच्छी फोटोग्राफ देखते हो और आपकी फोटोग्राफ देखते ही अगर आपके मुँह से वाव निकल गया, दैट इज़ इनफ। आपको किसी रूल की ज़रूरत नहीं है कि वो रूल ऑफ थर्ड के अंदर आ रही है, रूल ऑफ सिमेट्री के अंदर आ रही है, ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर आ रही है, लीडिंग लाइंस है, क्या है। उसके बाद व्यूअर अपने आप उस फोटोग्राफ के अंदर रूल्स ढूंढना शुरू कर देता है। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें ट्रैफिक रूल्स ज़रूर पता होते हैं, हमें हम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ड्राइविंग सीख जाते हैं वैसे वैसे वो जो रूल्स हैं वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, क्योंकि हमें वो ऑलरेडी वो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। रेड लाइट देखते ही हमारा ऑटोमेटिकली हमारा पैर जो है ब्रेक पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दैट इज़ द सेम वर्क ऑफ रूल, कि जब हम स्टार्ट करते हैं फोटोग्राफी तब हमें वो रूल पता होने चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाते हो फोटोग्राफी वैसे वैसे वो रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते और आपके दिमाग में वो ऑलरेडी चीज़ें बैठी हुई हैं, आप ऑटोमेटिकली वैसे ही शूट करेंगे जैसे वो रूल्स है। तो दैट्स वाई डोंट फॉलो द रूल्स, जस्ट नो देम, अंडरस्टैंड कि कैसे वो काम करते हैं, क्या है, उसके बाद जस्ट कीप शूटिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप नाउ इट्स क्लियर के वॉट आर द कॉम्पोजिशन रूल्स इन फोटोग्राफी एंड यू कैन ट्राई सम ऑफ दीज रूल्स। ट्राई इट, चेक के आपको कौन से रूल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कौन से रूल्स आपके लिए अच्छे हैं, कौन से रूल्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, एंड कीप शूटिंग एंड यू विल लर्न मोर अबाउट फोटोग्राफी। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर ट्रैवल एंड एस्ट्रोफोटोग्राफी। थैंक यू।